जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोशिका के केंद्रक के बारे में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में कोशिका सेलेक्टिव कुछ भाग पढ़े थे, तो आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका जो होती वो सजीव जगत की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक एक इकाई होती है। इससे छोटा खंड कोशिका नहीं होता सजीव जगत का। उस कोशिका के भीतर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम बायोलॉजी में कोशिकांग कहते हैं। उस कोशिकांग में एक केंद्रक भाग होता है। केंद्रक जो होता है वो जंतु प्लस पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम इस केंद्रक की संरचना पढ़ते हैं। देखो, केंद्रक जो होता है वो जंतु जगत में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जंतु जगत में जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। देखो, जंतु जगत हम कहते किसे हैं? जंतु जगत हम उसे कहते हैं कोई भी जीव हो जो चल सकता हो, उड़ सकता हो, भाग सकता हो, दौड़ सकता हो, वो एनिमल के अंतर्गत आता है, जंतु के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एक होता पादप, तो पादप उन्हें कहते हैं जो एक स्थान पर हो और वो हिलजुल सकता हो, ठीक है, वो पादप होता है। जो एक ही स्थान पर रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाए, उसे हम बोलते हैं पादप। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए, उसे हम बोलते हैं जंतु। जैसे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएगा तो मानव क्या है? एक जंतु के अंतर्गत आता है। भाई पशु क्या है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, वे क्या है? वो भी जंतु हैं। पक्षी, जल में रहने वाले जितने भी जीव, वो सभी जंतु के भीतर आते हैं। अब हम केंद्रक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आगामी जितने भी हमारे एग्जाम होंगे उसमें एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना अगर होगी तो यहां से हम कर लेंगे बहुत सरल तरीके से। तो आइए देखते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक की संरचना यह है। तो केंद्र के भीतर एक केंद्रिका होता है। जैसे जंतु प्लस पादप दोनों के भीतर एक केंद्रक भाग होता है जो बीचों बीच में होता है, सेम उसी प्रकार केंद्र के बीच में केंद्रिका होता है। और इसमें यहाँ ये द्रव के रूप में कुछ पदार्थ पाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अन्य पदार्थ है वो एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर सकते हो, इसलिए ये हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक द्रव्य के भीतर धागेनुमा, इस तरह धागेनुमा ये जाल के रूप में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी में क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन जो होता है भैया, ये डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। डीएनए होता है इसमें, प्रोटीन होता है इसका बना होता है, ठीक है। और हम ये जो हमारे सामने छिद्र दिख रहे हैं, छिद्र, ये छिद्र जो हो रहे हैं केंद्रक में, तो इसे हम बोलते हैं केंद्रक छिद्र। इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ पदार्थ तो अंदर जा सकते हैं, कुछ बाहर आ सकते हैं। जैसे गुणसूत्र बाहर आते हैं, ऊर्जा चाहिए होती है केंद्रक, तो ऊर्जा इन्हीं के माध्यम अंदर जाती है। अब हम इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसकी खोज के बारे में। खोज जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, और ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली का बना होता है, और ये जंतु, जो जंतु कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा ये कोशिकांग है। जंतु का सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो हमारा केंद्रक है। अब हम इसमें देखते हैं कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक को जो हम बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। तो आपको ध्यान रखना, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि केंद्रक का जो कार्य होता है, जो पूरी कोशिका होती है उस कोशिका को नियंत्रण करना, और जब कोशिका विभाजन होता है उसमें सहायता करना, तो पूरी कोशिका जो होती है वो इस पर नियंत्रण होती है, तो इसलिए हम इसे कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। जैसे हमारा पूरा शरीर जो चलता है वो हमारे माइंड से चलता है, मस्तिष्क से चलता है, सेम उसी प्रकार जो कोशिका होती है वो इस पर निर्भर होती है, इससे ही जो है वो पूरी क्रिया करती है, नियंत्रित इससे ही होती है। तो यहां पर हमने देखा कि आपसे किसी भी एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि कोशिका जो होती है, यह कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, वो केंद्रक को कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कह देगा। इसके अलावा इसका जो कार्य होता है वो नियंत्रण करना और कोशिका विभाजन में भाग लेना। मान लो एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, विभाजन होता है, उसमें सहायता करता है केंद्रक। इसके अलावा हम जब कभी भी अपनी दूसरी जनरेशन देखते हैं, तीसरी जनरेशन देखते हैं, तो जो गुण होते हैं ना, गुण हमारे, कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, या हाइट उसकी लंबी है, नाटा है, किसी प्रकार के गुण जो होंगे वो केंद्रक से माध्यम से ही, केंद्रक के माध्यम से ट्रांसलेट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इस केंद्रक का ही कार्य होता है, इसमें ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं गुणसूत्र, डीएनए इसमें पाया जाता है। इसके अलावा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपने देखा कि केंद्रक जो है वो किसके लिए लाभदायक है, जो जनरेशन होती, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कोई गुण मिलेंगे, कोई व्यक्ति काला होता है, गोरा होता है, किसी की हाइट होती है, कोई नाटा होता है, इस प्रकार के जो गुण मिलते हैं वो, मतलब किसी व्यक्ति की जो है नाक चौड़ी तो आने वाली जनरेशन होगी उसके पुत्र की जो है नाक चौड़ी होगी, इस तरह के जो गुण दिखते हैं एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, उसके लिए जिम्मेदार केंद्रक है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया कि जो होता है धागनुमा जालक रूप में क्रोमेटिन, ये इसकी जब हम संरचना करेंगे आगे चल के, अगला भाग बनाएंगे, इसमें हम गुणसूत्र देखेंगे, गुणसूत्र की संरचना करेंगे जो हमारी जनरेशन के लिए
जिम्मेदार है। अब हमने यहां देखा कि कार्य हो गया इसका भाई केंद्र का, जो ये केंद्रक के भीतर एक केंद्र का भाग है, इसकी खोज फोटाना ने की थी 1774 में। क्रोमेटिन जो मैंने आपको बताया है, क्रोमेटिन जो है ये फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी 1880 में। ये जो होता है क्रोमेटिन, ये डीएनए वे डीएनए प्लस, या हम बात करें प्रोटीन का बना होता है, ये डीएनए वे प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक के बाहर, केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली का बना होता है, एक तो होती है इसकी भीतरी झिल्ली, एक होती है इसकी बाह्य झिल्ली। तो ये बाह्य झिल्ली जो होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी रहती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी रहती है, क्योंकि अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम प्लस वसा का निर्माण करता है, उसमें स्थल पाए जाते हैं वसा के, और प्रोटीन जो है वहीं पर जो है राइबोसोम जो है वहीं पर जो है उसका निर्माण होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो बाहर वाला जो हिस्सा होता है इससे जुड़ा होता है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है। तो केंद्रक के बारे में हमने विस्तार रूप से इस पर डिस्कस कर लिया, इस पर सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोलते हैं सूत्रकणिका, ये भी एक कोशिका का भाग है। तो पहले हम इसकी खोज के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आगामी अगर कोई सा एग्जाम होता है उसमें अगर एक क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। भाई सर्वप्रथम जो देखा, सिर्फ कोशिका के भीतर जो सर्वप्रथम देखा था वो कोलिकर ने देखा था 1880 में। भाई इधर सबसे पहले जो बायोप्लास्ट नाम दिया, सिर्फ बायोप्लास्ट कहा, वो अल्टरमैन ने कहा था 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया सबसे पहले, वो कार्ल मेंडल ने दिया था 1897 में। तो इनके नाम के ऊपर डिस्कस हो गया। इसके बारे में हम, इसकी संरचना के बारे में और इस पर जो जो कार्य है, इसके जो 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 कार्य होते हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखो ये हमारी इसकी संरचना है, ये वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं सूत्रकणिका गुहा, या हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा। अब इसके बीच में द्रव्य पाया जाता है, तो द्रव्य जो होता है वो एक दूसरे को काम कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बीच में जो है यहाँ पर ये डीएनए जो उपस्थित है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसका, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजी में क्रेस्टी। यहीं पर जो है क्रेप्स क्रिया और स्वेशन की जो क्रिया होती है वो इसी के माध्यम से संपन्न होती है। तो ऊर्जा बनाने का जो कार्य करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और इसलिए हम इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का इंजन, या हम बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और एक ग्लूकोज टूटने पर जो है 38 एटीपी बनते हैं, जिनमें से माइटोकॉन्ड्रिया 36 एटीपी बनाता है। यह आपको ध्यान रखना है। एटीपी जो है ये एक ऊर्जा का खंड है, ऊर्जा देता है। तो हमने ये देखा कि किसी भी शरीर को अगर ऊर्जा की जरूरत होगी, या हम बात करें किसी भी जीव की, अगर उसे ऊर्जा की जरूरत होगी तो वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया ही देगा। यह आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जीव में अगर कोशिका भाग है तो उस कोशिका में सूत्रकणिका अगर होगी तो उसे ऊर्जा मिलेगी, अगर सूत्रकणिका अगर नहीं होगी तो उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि डीएनए इसमें उपस्थित है, इससे पहले हमने देखा केंद्रक में पाया जाए और इसके अलावा हरित लवक में। तो डीएनए तीन चीजों में पाया जाता है, तीन पदार्थों में पाया जाता है, एक हुआ केंद्रक, एक हमारा सूत्रकणिका, एक है हरित लवक। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इसका काम क्या क्या होता है। ऊर्जा बनाने का कार्य जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को होता है, इसलिए हम इस नाम से जानते हैं इन्हें, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का इंजन और पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लवक। अब जो है हमारा वो लवक है, जैसे बोलते हैं प्लास्टिड। तो ये भाग जो है ये भी कोशिका का ही भाग है। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दो भाग पढ़े, दोनों भाग जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये वाला जो भाग है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसकी खोज जो की थी वो हेकल ने 1865 ईस्वी में की थी। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो हम इसे बायोलॉजी में तीन भागों में बांटते हैं। इसके तीन भाग हैं, एक भाग जो है वो ल्यूकोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं अवर्णी लवक, एक है क्रोमोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं वर्णी लवक, एक है क्लोरोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। इन तीनों का कार्य अलग अलग होता है। इसमें हम पहला भाग समझते हैं सरल भाषा में, जो अवर्णी लवक है। देखो ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है, मतलब भोजन को इकट्ठा करता है। ये जो है ये भोजन की क्रिया करता है। इसका कार्य जो होता है ये भोजन को लाने का काम करता है, और ये जो होता है ये इकट्ठा करता है। ये जो होता है अवर्णी लवक, ये वहां पाया जाता है जहां पर प्रकाशीकरण नहीं पहुंचती, मतलब जड़ों में भूमिगत जो भाग है वहां पर ये पाया जाता है। तो वहां पर ये भोजन को इकट्ठा करता है, ताकि रात के समय जब प्रकाशीकरण पेड़ पौधों पर नहीं पड़ती हो तब जाकर ये ऊर्जा दे दे जो इकट्ठी करता है। ठीक है, तो हमने देखा ये रंगीन होता है, इसका रंग देने का कोई कारण नहीं होता। इसके अलावा इसे हम तीन भागों में पढ़ेंगे, एक होगा एमाइलोप्लास्ट, एक होगा इलायोप्लास्ट, एक होगा प्रोटीनप्लास्ट।
देखो एमाइलोप्लास्ट मतलब इसमें मंड संचय होता, कहने का मतलब ये है कि जो हम भोजन खाते हैं, भोजन जो हमने खाया उसे हम भोज्य खाद्य बोलते हैं, मतलब खाद्य जो हमने खाना खाया, ठीक है। तो ये जो काम करेगा, जैसे ही ये जहां जहां पर जाएगा ये हमें ऊर्जा देगा, जब तभी तो हम काम करेंगे। जैसा आप कोई खाना खाते हो कि हमने खाना खाया और खाना खाने बाद हमें कुछ आराम मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत आती है, तो उससे हम बायोलॉजी की भाषा में मंड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो कार्य होता पेड़ पौधों को ऊर्जा देने का कार्य होता, तो ये मंड संचयी करता है। इसके अलावा हम देखेंगे इलायोप्लास्ट, ये जो होता है वसा संचयी करता है। प्रोटीन प्लास्ट, ये प्रोटीन संचयी करता है। प्रोटीन का कार्य तुम सब जानते हो, अगर प्रोटीन है तभी किसी पेड़ पौधों की मनुष्य की लंबाई होती है। मान लो प्रोटीन किसी कम मिलती तो उसकी हाइट कम रह जाती है। तो ये हमारा अवर्णी लवक के कार्य थे, ये आपने समझा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णी लवक, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये देखते हैं, ये रंग देने का कार्य करता है। जैसे भाई पुष्प रंग आता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर जो रंग होता है, बीज का जो रंग होता है, ठीक है, तो उन पर जो रंग आता है उसका जो कार्य होता है रंग देने का, तो वो वर्णी लवक करता है, ठीक है। यह है पुष्प फल वृत्ति, बीज में जो है ये रंग देता है, ठीक है। यह लाल पीला नारंगी देने का कार्य करता है, जो रंग होते हैं इस प्रकार के रंग देने का कार्य जो वर्णी लवक करता है। वनस्पति को परावैंगनी किरणों से जो ये फाइकोसाइनिन वर्णक बचाता है, मतलब ये वर्णी लवक में ही पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधों पर प्रकाश की किरण होती है, तो प्रकाश की जो किरण आती है उसमें परावैंगनी किरण अगर आती है तो उससे जो बचाता है फाइकोसाइनिन वर्णक बचाता है। तो आपने समझा कि वर्णी लवक का कार्य होता यहां से ऊर्जा यहां तक पहुंचाना, इसका कार्य होता, और इसका कार्य होता ऊर्जा एक जगह इकट्ठी करना, संग्रह करना, ताकि रात के समय ये पेड़ पौधों को ऊर्जा दे सकता हो, ठीक है। और आपने देखा भी होगा किसी बॉक्स में अगर हम कोई पेड़ बंद करके रख दें, कोई छोटा पौधा, अगर कोई छोटा सा पौधा अगर हम इसमें रख दें और इसमें प्रकाश की किरण अगर नहीं पहुंचती हो तो ये वृद्धि नहीं करेगा, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में। अब हम देखेंगे हरित लवक, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये लवक का ही भाग है। अब इसकी अगर हम संरचना देखें, इसमें जो सिक्केनुमा जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं पणहरित, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती वो इसी में संपन्न होती है, और इसका एक बीज का भाग होता है इसे बोलते हैं ग्रेना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है तो ग्रेना में होती है। वृत्त के रूप में इसका एक भाग हो रहा है, ये वृत्त के रूप में होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोम बायोलॉजी के रूप में। तो याद रहे, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे नाइट में लेते हैं, तो उसका जो स्वांगीकरण होता है वो स्ट्रोम में होता है। इसके अलावा इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं और डीएनए भी होता है। तो इसकी लंबाई जो होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा ये जो होता है हर रंग देने का कार्य करता है, ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो जो केंद्रक है ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसके अलावा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, वो भी दोहरी झिल्ली का बना होता है, और इसके अलावा केंद्रक भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक और हरित लवक तीनों में पाया जाता है। हम बात करेंगे जो हरित लवक में है, पणहरित, कैरोटीन, जैंतोफिल, ये तीन वर्णक पाए जाते हैं। देखो पणहरित का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करना, ठीक है। कैरोटीन जो होता, जो पेड़ पौधों में जो पीला रंग आता है वो कैरोटीन के माध्यम से आता है। जैंतोफिल, जैंतोफिल का जो कार्य होता है, ये जो यहाँ पर हरित लवक है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे सर्व करता है, चलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लोरोफिल में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, और इसमें Mg पाया जाता है। क्या बात, इसमें एक Mg धातु पाई जाती है। और हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में जब ऊर्जा जहाँ पर बनेगी, मान लो हम खाना लेकर आए, हमने खाना दिया किसी महिला को, और वो महिला जब रसोई घर में बनाएगी तो वहाँ खाना बनता है। सेम वही प्रक्रिया हम पेड़ पौधों में रखेंगे, पेड़ पौधों में जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है वो हरित लवक बनता है। तो इसलिए हम कोशिका की रसोई घर जो बोलते हैं वो हम इसे बोलते हैं हरित लवक को, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यही ऊर्जा बनाती है और यहीं से ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीन भाग पढ़े, देखो इसका कार्य होता ऊर्जा बनाने का, और वर्णी लवक का कार्य होता ऊर्जा लेकर वर्णी लवक में लेकर जाने का, वहां उसे देने का, तो वो इकट्ठा करता ताकि रात में जो वो ऊर्जा दे सकता हो। तो ये हमने इसके कुछ तीन टॉपिक कवर किए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।